और दूसरी बात, आप इस बात का भी खास ख्याल रखें कि वो ऐसे हजरात जो कुर्बानी नहीं दे सकते, जो गरीब है, मिस्कीन है, मजबूर मजबूर है, जो कुर्बानी देने की इस्तेताअत अपने अंदर नहीं रखते, उनका मालिया मजबूत नहीं है, तो उनका पहले सबसे पहले आपके खानदान में, रिश्तेदारों में, अजीजों में, महल्ले में कौन गरीब है उनका आप करके उनके घर पे भारी भरकम अच्छा करें। फ्रिजों को अल्लाह के वास्ते भरो नको, दाल दाल के घुसड़ घुसड़ के तबियत से अंदर रख के महीना दो महीने तीन महीने कहवा बना के बिरयानी नहारी तहारी चाकना शामी कोफ्ते पराठे तबियत से हम खाते हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, हमारी औलाद खाना कोई भी नहीं खाना, ऐसा नहीं है साहब। कुर्बानी का नज़्म ये है कि उसमें तीन हिस्से किया जाए, रिश्तेदारों को भी बांटा जाए, पड़ोसी को भी दिया जाए, मुसाफिर को भी दिया जाए, तालिबे इल्मों को भी दिया जाए, मोहताजों को भी दिया जाए। ये कुर्बानी बांटने का मकसद है, आप ना पूरा रह रहे हैं। और खास तौर पर ये छिछड़े नुमा गोश्त, हड्डी को लगा हुआ गोश्त, नक्के का गोश्त, पंजे का गोश्त, सीने का गोश्त घर में रख लो फ्रीजों में अपने लिए, लेकिन कभी किसी को अल्लाह की राह में हिस्सा दे रहे हो, अपने दोस्तों को रिश्तेदारों को, तो आप भर बतूला अच्छा दीजिए, साइजेबल हिस्सा भेजिए। क्या है इतना छठा गोश्त 100 ग्राम जो हड्डी को लगा मेरे, तो शर्म की बात है ये। आप ऐसा अपने अंदर मत कीजिए, ये ऐसे बियाबानी की गुजारिश है। आप इंशाल्लाह ताला अच्छा गोश्त भेजेंगे, हाँ, और रान के बदले रान, अगर वहां से रान आई तो इधर से रान देंगे, इधर राना छठी हुई रान के बदले में छठी हुई रान, ऐसा नक्को करिए। रिश्तेदारों को, अजीजों को, खासतौर पर गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, मजबूरों को आप अच्छा हिस्सा भेजे, काबिल लिहाज हिस्सा भेजे, कम से कम 1 पाव किलो गोश्त भेजे भाई। ऐसा अपने फ्रीजा भर के रख लेने की नको करो, फ्रीजों में रख के खाने को कावा डालने के वास्ते नहीं है ये, नफ्सवारी छोड़ो, अपने लिए जीना छोड़ो, दूसरों के लिए भी थोड़ा आप ख्याल करो, ठीक है। यही मेरा जो है मैसेज है इंशाल्लाह ताला, तमाम बरादरान इस्लाम को, तमाम बरादरान वतन को एसजे बियाबानी की पुरखलूस ईद मुबारक।